ये मेरा लोक स्वास्थ्य श्रावस्ती में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति आए दिन 2022 में बहुत ही भीषण बाढ़ का सामना हमारे लोक स्वास्थ्य वासियों को करना पड़ा और उसी तरीके से उसका दूसरा रूप अभी 4 दिन पहले जिस तरीके से भीषण बाढ़ आई, इसमें कई गांव में लगभग पानी घुस गया, कुछ घर नदी में, वहां भी जाने का प्रयास कर रहा हूं और तमाम घर नदी की कटान में आए हैं, तमाम बंधे टूट गए हैं। तो इसकी शिकायतें जो आ रही हैं कि कहीं न कहीं से शासन प्रशासन की लापरवाही रही है और अगर ये समय रहते अगर इसका निस्तारण प्रशासन के द्वारा किया गया होता। इसके पहले भी मैं लगभग 15-16 किलोमीटर बंधे की डिमांड मैंने लिख करके दिया था श्रावस्ती में, जहां शिकारी पूर्वाक को देखा जाए उसी चपेट में अगर 10-12 गांव ऐसे हैं, अगर लगभग 15-16 किलोमीटर बंधा बंध गया होता तो हमें लगता आज जो कई गांव पानी के चपेट में हैं, अपना घर छोड़ करके बाहर बसने का काम कर रहे हैं, वो ऐसा ना करना पड़ता। तो इस नाते बाढ़ की स्थिति यहाँ भयंकर आती है और नेपाल जब पानी छोड़ता है तो काफ़ी पानी फैलता है और तमाम जो हमारे किसान भाई हैं, मैंने देखा, निरीक्षण किया, जो उनकी धान की रुपाई होनी थी, जो उनकी यहाँ की भाषा में कहा जाए तो बेरन टाइप का कहा जाता है, उसको बेरन कहा जाता है, और उस बेरन भी उनकी डूब गई। अब आज की स्थिति देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।